तो गाइज मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज कुछ धान की खेती के बारे में कुछ दिखाने जा रहा हूँ, और एक पौधा और है, एक छोटे पौधा के बारे में बताऊँगा जिसका नाम आप शायद सुने होंगे, उसका उपयोग भी करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? मिर्चा, मिर्चा का उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में आज बताऊँगा कि होता वो कैसे है। इससे पहले अगर मेरे वीडियो में आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखिए मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए आज मैं दिखाता हूँ मिर्चा के पौधा के बारे में, बताता हूँ दिखाता हूँ इसके बारे में कैसे फलता है, इसमें कितना मेहनत लगता है, एक कब बुआई इसका होता है, इसके बारे में आज हर बात करूंगा। पहले देखें, मैं एक छोटा सा मेरा खेत है, प्लाट है जिसमें लगा हुआ है मिर्चा और बैंगन। तो पहले मैं ये दो चीज़ों के बारे में बताता हूँ, फलता कैसे है, कितना बड़ा पौधा होता है, उसके लिए क्या क्या खाद पदार्थ की आवश्यकता होती है, ये सब के बारे में मैं अभी बात करूँगा। तब तक वीडियो में बने रहें, आगे मैं दिखाता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, ये मिर्च का जो पौधा है एक बहुत छोटा सा पौधा होता है। देखिए आप देख सकते हैं, एक छोटा सा पौधा है ये। इसको और अच्छी तरह से आपको दिखाने के लिए मैं फलता हुआ दिखाऊंगा। देखिए इसमें मिर्चा फरा हुआ है, ये मिर्चा फरा हुआ, देखो एक तोड़ कर दिखाते हैं अभी। एक छोटा सा पौधा होता है, इसमें देखिए इसको बड़ा होने में अच्छा टाइम लग जाता है। इसमें बहुत प्रकार के रोग भी होता है, जैसे इस पर देखो पाउडर छिड़का हुआ, इसके पत्ता जो है इसको झिंगुर जाता है, मुड़ मुड़ा मुड़ा हो जाता है, इसलिए इसे भोजन अच्छा से नहीं बना पाता है। इसके लिए इस पर पाउडर का छिड़काव किया जाता है। इसको देखो किस तरह से फलता है, आप देख सकते हैं इसको, यह देखिए किस तरह से फलता है, देखिए। और मैं दिखाता हूँ इस बैगन के बारे में भी, बैगन को भी दिखाता हूँ। यह देखिए बैगन, ये तो अभी फला नहीं है, ज़्यादा गर्मी के कारण देखो ये सब क्या होता है इसका, ये जो टूसा वाला पौधा होता है ये, इसमें कीटाणु हो जाता है, इसलिए अब इसका पौधा थोड़ा गलना शुरू हो जाता है। इस पर बहुत सारे किसानों को इतना नॉर्मल नहीं है इसको उपजाना। फिर मैं देखो आपको भिंडी का पौधा दिखाता हूँ। यह देखिए इसका भी बड़ा पौधा नहीं होता है, छोटा छोटा सा पेड़ पौधा होता है, भिंडी का पौधा है। देखिए ये बोरा का पौधा है, पीछे जितना भी बैकग्राउंड दिख रहा है ये सब बहुत लंबा प्लॉट है, इसमें सभी में धान का पैदा लगा हुआ है। यहाँ देखिए इसके सिंचाई के लिए मोटर समरसेबल है। और दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर वो नेनुआ इस कहते हैं, इसका खेती है भी। यह देखिए ये कैसे फलता है, अलान दिया हुआ है, देखिए कैसे फला हुआ है यह। इसमें भी बहुत परिश्रम लगता है, ऐसी सब्जियाँ नहीं उपजती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। पहले इसको लगाना पड़ता है, फिर इसके लिए बांस के टीले गड़ गड़ करके अलान देना पड़ता है, इसमें बहुत सारे रस्सी की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसके पौधों को इस पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद यह है जो फलना शुरू होता है बहुत दिनों के बाद। देखिए आप और मिर्चा, ये मिर्चा का छोटा पौधा है जिसमें देखिए अभी इसका विकास हुआ नहीं है, एक छोटा सा पौधा है, इसमें देखिए थोड़ा खाद डाला हुआ है, सल्फेट फॉस्फेट और पोटाश डाला हुआ है, देख रहे हैं यहाँ ये वाले पौधे डाले हुए हैं। देखिए हल्दी का पौधा, ये हल्दी का पौधा है, जिस तरह से आलू का रुपाई होता है उसी प्रकार से हल्दी का पौधा का भी क्या होता है, गांठ का उसका रुपाई होता है, इधर होता है।
इस तरह मेरे वीडियो आप लास्ट तक बने रहें, मैं इसी प्रकार के बहुत सारे बीमारी और इसके उपज के बारे में भी बताऊंगा और इसमें क्या क्या बीमारियां होने की संभावना होती है ज़्यादातर, वो सब के बारे में बताऊंगा। ये देखिए खीरा का लत्ती है, लत्ती खीरा का लत्ती है जो दिखाई दे रहा है आपको, खीरा का लत्ती है। भिंडी का देखो इतना सा बहुत सारा लगा हुआ है। देख रहे हैं, ये बात सही है, कहा जाता है ये सही कहा जाता है, गांव का हवा और शहर का दवा बराबर होता है। यहाँ घूमने में इतना सुहावना लगता है, इतना अच्छा, इतना अच्छी हरियाली देख करके इतना मन सुहावना लगता है कि कहा नहीं जा सकता। देख सकते हैं इधर हरियालियाँ तो इतनी है कि देखकर मन भी हरा हो जाता है। और मैं अपने एरिया के बारे में आज एक से एक पौधे के बारे में और कहाँ फील्ड क्या कौची है जो सब कुछ दिखाऊंगा। मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। मिर्चा का बोने का टाइम होता है जुलाई अगस्त में, बो करके इसको जब बरसात प्रारंभ हो जाती है तो इसको बो करके मैंने मिर्चा खा लिया। इसे बहुत तीता लग रहा है, वो करके इसको उसके बाद जुताई कोड़ाई इसमें करना पड़ता है। एक छोटे से कुदाल से कुछ भी जोतने वाला कोड़ने वाला होता है, उससे इसको कोड़ाई किया जाता है, इस पर मिट्टी लगाया जाता है इसको जड़ के नीचे, ताकि ये इसका छोटा पौधा होता है हवा आंधी से टूट कर गिरे ना इसके लिए। और इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, पानी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, कि जो पानी में इसको हमेशा धान की तरह डुबाए रखना है, इसमें पानी चाहिए, नमी चाहिए हमेशा, इससे नमी रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये तुरंत ऐसा चीज़ है कि तुरंत ये मरना शुरू हो जाता है और तुरंत इसको पानी ज़्यादा असर करना भी शुरू कर देता है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं कि पानी पटाना है तो भर कर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। पटाने का मतलब ये हुआ कि इसमें पानी डाले, एक तरह से निकाल दिए, हो गया। ये बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारे परिश्रम के बाद ऐसा फल मिलता है जो कि आप इसमें देख रहे हैं। ये मिर्चा लटका हुआ है, तोड़ने का आसान तरीका पकड़ के उठा लो, एक एक कर तोड़ना पड़ता है, कोई सिंपल बात नहीं है। और फिर भी इसमें जो है इसका रेट बहुत कम होता है, किसानों को बहुत परिश्रम होता है भाई, और इसकी उपज बहुत होती है और इसका रेट गिरा दिया जाता है। इसलिए आज आप इस वीडियो को देखकर इस परिश्रम को समझ चुके होंगे कि कितना परिश्रम होता है इसको उगाने में। अब मैं आपको दिखाता हूँ करेली, बिटर गार्ड जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, बिटर गार्ड कैसे उपजता है जिसके बारे में बताता हूँ। जस्ट लाइक इसके बारे में भी कुछ पहले से आप जान चुके हैं कि जिस तरह से परोर, झींगा ये सब समझ रहे हैं, उसी तरह से ये भी उपजता है। इसके लिए भी उतना ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। देख रहे होंगे आप, इसके लत्ती होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी इसका पौधा नीचे लगा दिया जाता है, इसमें बांस गड़े जाते हैं, उसके बाद अलान लगाया जाता है, तब ये छोटे छोटे करेलियाँ देखे जैसे कि ये फल रहा है तभी उपजता है, ऐसा ही नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम होता है। सोचिए एकर कितना बड़ा लान लगाया गया है, देख रहे हैं, तब इसका फल प्राप्त होता है, सिंपल बात नहीं है। इसमें देखिए झींगा की खेती है, झींगा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड, मेरा प्रीफर फल है वो, सब्जी है वो झींगा, मैं उसको बहुत प्रीफर करता हूँ, पसंद करता हूँ, इसलिए मैं बहुत ये सब चीज़ों की जानकारी दिया और दिखाया आपको इसको लगाने के लिए। देख रहे हैं कि आपको कितनी परिश्रम है और हम किसानों को इतना परिश्रम करके उगाना पड़ता है, फिर इसकी
जब फसलें की भाव रेट गिर जाती है तो समझते होंगे कितना पूंजी का लॉस होता है, कितने तरह की खाद की आवश्यकता होती है, अदर अदर चीज़ की आवश्यकता होती है। अगर हमारे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं।